सो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं स्मार्ट वाईफाई फैन रेगुलेटर। तो ये अमेज़ोन से मंगवाया है, तो इसकी करते हैं अभी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा है ये प्रोडक्ट। ये है बिल इसका और ये है बॉक्स। तो कुछ इस तरह का इसका पैकेज है। ये एक फैन रेगुलेटर किट है, ये रिमोट से भी चलती है और मोबाइल से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके अंदर स्लीप मोड, फिर ये सब फैन टर्बो मोड, वो सब कुछ इसके अंदर है। तो देखते हैं कि ये किस तरह का ये किट है। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। तो ये इसका रिमोट है, इस तरह का कुछ इसका रिमोट है। इसको रखते हैं साइड में और दूसरा ये इसका मेन डिवाइस है जो फैन के अंदर लगता है, फैन के ऊपर। तो इसके अंदर इनपुट आउटपुट और कुछ सेंसर्स लगे हैं जो अपने अपने हिसाब से ये चालू बंद कर सकते हैं फैन को। तो ये कुछ इसके सेंसर्स है, बाकी का इसको लगा के देखते हैं ये किस तरह से ये काम करता है। और ये पूरा माउंट करने का है, जो अपने सीलिंग फैन होता है उसके अंदर ये ऐसे माउंट हो जाता है। तो देखने में तो अच्छा दिख रहा है, अभी ये किस तरह से काम करता है वो भी हम देखेंगे। और ये वाईफाई वाला है तो इसकी इसको एक ऐप आती है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ये वाली इसकी ऐप है, हेलो आईओटी। तो इससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बराबर। ये फैन है तो इससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको एक बार कनेक्ट करके सेटअप करके आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह का है। सो गाइस, इस तरह से फैन को मैं फिट कर दिया है इसको। तो ये है इसका इनपुट और यह से यहाँ से है आउटपुट, बराबर। और दो इसके ये सेंसर हैं, बाकी का इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर भी यहाँ पे लगा हुआ है और इस तरह से। और ये इस कप के अंदर फिट हो जाएगा, बराबर। ये सीलिंग फैन है तो इसके अंदर फिट हो जाएगा इस तरह से। तो इसको फिट करके, इसको फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ कि किस तरह से ये चल रहा है, बराबर। इस तरह से ये इसमें फिट हो जाता है। इस तरह से ये आ जाएगा और ये वाला कप नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये पूरा फिट हो जाएगा। और ये इसके सेंसर है जो आप इसको सेलो टेप कर सकते हो यहाँ पे, तो क्योंकि ये अच्छी तरह से ये काम करेगा, बराबर, इसीलिए। तो अभी इसको फिट करके फिर दिखाता हूँ कि किस तरह से इसके मोड काम करते हैं। सो गाइस, फैन में किट लगने के बाद कुछ इस तरह का इसका लुक है। तो अभी इसको हम चालू करके देखते हैं कि ये किस तरह से इसके मोड काम करते हैं, किस तरह से इसको स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे पहले इसमें रिमोट, बराबर। तो ये है इसका रिमोट। तो इसमें ये पावर ऑन ऑफ है, ये इसके स्पीड कंट्रोल है 1 से लेके 5 तक। उसके बाद ये 4 इसके मोड के हैं, जैसे कि ये इंटेलिजेंट मोड है, ये नेचुरल मोड, और उसके बाद ये है स्लिप मोड और ये टर्बो मोड, बराबर। और उसके बाद ये 4 इसके टाइमर है कि अगर 2 घंटे के लिए चाहिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, कि 8 घंटे के लिए, 2 hour 4 8 6, बराबर। तो इस तरह के इसमें पूरे मोड है, इस तरह का इसका रिमोट है। तो अब इसको चालू करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है।
तो इसको किया है, अभी करते हैं इसको एक पे बराबर। तो ये अभी वन पे चालू हो गया है, तो इसके वन में स्पीड इस तरह से इसकी स्पीड है। तो ये कोई नॉइस नहीं करता, ये नॉर्मली घूम रहा है अभी, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कोई नॉइस नहीं है। अभी इसकी स्पीड करते हैं दो पे, तो ये है, तो ये दो पे हो गया है। अभी इसको करते हैं तीन पे, बराबर। इसका रिमोट अच्छी तरह से काम कर रहा है। अभी इसका स्पीड बढ़ाते हैं, फोर पे करते हैं, तो ये फोर पे चल रहा है अभी। तो शायद आपको इसमें से थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा फैन का। अभी इसको करते हैं फाइव पे, तो ये हो गया है फाइव। अभी उसके बाद करते हैं इसको टर्बो मोड पे, बराबर। तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है, तो कुछ इस तरह से ये घूमता है। अभी इसको करते हैं एक पे, बराबर। तो ये था इसका रिमोट। अभी हम देखते हैं कि ये मोबाइल से कैसे चलता है। तो इसका एक मोबाइल में एप्लीकेशन है, तो इसको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो इसको मैंने पहले से ही कनेक्ट करके रखा था, और एलेक्सा से भी इसको एक बार दिखा दूंगा किस तरह से इसके मोड काम करते हैं। तो इस तरह का इसका पूरा इंटरफेस है। तो ये इसका हेलो आईओटी करके ऐप है, तो इसमें आप इसको आसानी से मतलब कनेक्ट कर सकते हो, इतना कोई ज़्यादा मगजमारी वाला काम नहीं है। तो अभी इसमें जाते हैं, तो जैसे कि ये अभी नहीं दिखा रहे हैं, अभी ये डिसकनेक्ट दिखा रहा है, दोबारा से जाएंगे, बराबर। तो ये शायद इसका कुछ लैग बैग कुछ होगा। तो इस तरह का पूरा इसका इंटरफेस है। तो इसको पहले कर देते बंद, तो ये फ़ैन बंद हो गया, बराबर। और इसमें भी ये इसका स्पीड कम करने का है, ये स्पीड ज़्यादा करने का है, बाकी के ये चार इसके मोड है, और बाकी का ये इसका टाइमर है, बराबर। तो अभी इसको करते हैं हम मोबाइल से ऑन, तो ये रिस्पॉन्ड क्विक रिस्पॉन्स है इसका, और इसके अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों दिखाता है इसमें, तो आप ये भी देख सकते हो इसमें। तो अभी ये स्पीड वन पे है, तो अभी इसको अगर स्पीड बढ़ाना हो तो ये अभी दो पे हो गया है, बराबर। अभी इसको करते हैं तीन पे, तो ये तीन पे हो गया है। अभी इसको डायरेक्ट इसका नेचुरल स्लीप और ये टर्बो मोड करते हैं, तो इसमें ये इसकी मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा है अभी। तो इसमें ग्रीन लाइट आ जाती है, बराबर। तो अभी इसको करते हैं बंद, तो ये बंद हो गया, बराबर। अभी हम इसको एलेक्सा से कंट्रोल करके देखते हैं। तो इसका भी मैंने सेटअप पहले से करके रखा है, तो अभी इसको दिखाते हैं। तो ये है एलेक्सा, फैन ऑन करो, तो ये आप देख सकते हो इसमें दिखाएगा, बराबर। ये फ़ैन ऑन कर दिया है। अभी ये टर्बो मोड पे था, तो ये सीधा टर्बो पे ही चालू हो गया है। अभी इसकी स्पीड कम करके देखते हैं। एलेक्सा, फ़ैन की स्पीड दो पे करो। अच्छा, अभी इसमें आप किस तरह से इसको कमांड दे सकते हो, एलेक्सा फैन को दो पे करो, बराबर। ये इसने दो पे कर दिया है, तो आप इसकी स्पीड इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, बराबर। इसको
कंट्रोल करने के लिए आपको इसको थोड़ा ठीक से बोलना पड़ेगा, वरना वो नहीं समझेगी। एलेक्सा, फैन की स्पीड बढ़ाओ। फैन में वो नहीं किया जा सकता। एलेक्सा, फैन को बढ़ाओ। अरे वॉल्यूम बढ़ाया इसने। एलेक्सा, फैन की स्पीड बढ़ाओ। फैन में वो नहीं किया जा सकता। अच्छा एलेक्सा, फैन को 3 पे करो। अच्छा इसने ये सुन लिया, तो इसने 3 पे कर दिया है। तो आप इसको मतलब स्पीड इसकी कंट्रोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, मगर इसको कमांड थोड़ा ठीक तरीके से देना पड़ेगा, तो वो स्पीड को भी आराम से कंट्रोल कर पाएगा। एलेक्सा, फैन को 5 पे करो। तो आप देख सकते हो कि इसने 5 पे कर दिया, और आपको ये मोबाइल में शो भी कर देगा। बराबर, तो इस तरह से आप एलेक्सा से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो, और मोबाइल से भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, प्लस रिमोट से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अगर ये मोबाइल से कनेक्टेड है अगर वाईफाई से, तो अगर आप इसको रिमोट से ऑफ करते हो तो भी इसमें दिखा देगा कि ये बंद हो गया है, देखना। बराबर, ये ऑफ हो गया, अभी ऑन करता हूँ तो ये ऑन भी हो गया। बराबर, अभी इसमें स्पीड चेंज करूँगा या फिर मोड रखूँगा तो ये सब इसमें शो कर देगा। तो ये इस तरह से भी इसमें दिखा देता है। बाकी एलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हो, रिमोट से भी ऑफलाइन कंट्रोल कर सकते हो, मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ इस तरह का इसका वीडियो था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।